हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे, क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होगी। आमतौर पर क्या होता है, हम बिज़नेस तो शुरू करना चाहते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमें पता नहीं होता। अब स्टेप बाय स्टेप नहीं पता होता तो पहले क्या होता है, जब अगर पांच स्टेप है तो पांचवा स्टेप पहले करने की सोचते हैं, करते 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 महीने दो महीने बीत जाते हैं, तीन महीने बीत जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, कैसे आप ये काम शुरू कर सकते हैं और प्रॉफिट भी कैसे कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखिए ऑब्वियसली अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम करने जा रहा हूँ तो प्रोडक्ट तो मेरे पास है ही। पहला स्टेप मुझे क्या करना है, एक फर्म ओपन करनी है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, चाहे वो 1% कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ये आपकी चॉइस है। फर्म के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि कौन सी फर्म मैं खोलूँ, किस फर्म के ज़्यादा फायदे हैं और किस फर्म के कम फायदे हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हो गया, एक फर्म मैंने खोली। फर्म खोलेंगे तो हमें जीएसटी नंबर भी चाहिए, हमें पैन नंबर भी चाहिए, और जब जीएसटी और पैन आ जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें करना है अगले स्टेप में एक अच्छे बैंक में, आई रिपीट, अच्छे बैंक में हमें एक करंट अकाउंट ओपन कराना है। अब देखिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है जिसके पास एडी कोड हो। अब ये एडी कोड क्या होता है, एडी कोड होता है ऑथोराइज्ड डीलर कोड। मतलब ये बैंक जो है फॉरेन करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन भी करता है। भाई अगर मुझे मेरा फॉरेक्स अकाउंट नहीं होगा तो मार्केट से डॉलर आएगा या मैं डॉलर दूंगा किसी को तो वो कहाँ जाएगा, तो आपको यह ध्यान में रखना है। अगर आप डोमेस्टिक काम करना चाहते हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है, फिर आप ऐसे बैंक का सिलेक्शन कर सकते हैं जिसके पास एडी कोड नहीं है, तो चॉइस आपकी है। अब ये था बैंक का सिलेक्शन। बैंक का सिलेक्शन होने के बाद अगर मुझे सपोज कीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है तो मुझे उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है जिसे हम बोलते हैं आईईसी कोड। तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सपोज कीजिए आपका विचार नहीं भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने का, तब भी एक बार ले लीजिए यार, किस्मत का कोई भरोसा नहीं, मुकद्दर का कोई भरोसा नहीं, कहाँ बायर मिल जाए और कितने का बायर मिल जाए, मुद्दा तो प्रॉफिट कमाना है ना यार, और क्या है। तो अब हमने आईसी कोड ले लिया, लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, खास तौर से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके बाद आपको एक और चीज़ लेनी है दोस्तों। उसके बाद चाहे मैं किसी भी फूड प्रोडक्ट में काम करता हूँ, प्रोसेस फूड में काम करता हूँ, ड्रिंक्स और बेवरेजेस में काम करता हूँ, तो मुझे फसाई चाहिए। बिना फसाई के आप किसी भी फूड प्रोडक्ट में काम नहीं कर सकते, तो फसाई आपको चाहिए चाहिए। प्लस अगर मुझे इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो फसाई सेंट्रल चाहिए। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहता हूँ, खास तौर से मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे चाहिए अपीडा की रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, यानी अपीडा का आरसीएमसी। गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है वर्ल्ड वाइड, आपकी हेल्प करेगी। समटाइम्स क्या होता है, अच्छी कंट्री का बायर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स मांग लेता है, बहुत से अदर सर्टिफिकेट्स मांग लेता है। आपको अगर अपने प्रोडक्ट में सपोज करो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो याद रखिए, उसके बाद मुझे चाहिए RCMC यानी रजिस्ट्रेशन का मेम्बरशिप सर्टिफिकेट। वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा अपीडा से। अब अगला स्टेप दोस्तों, आप में से बहुत से लोग होंगे जो ऑर्गेनिक फूड में काम करना चाहते हैं, काम अच्छा भी है, मार्जिन भी अच्छा मिलता है, डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कंफ्यूजन ये रहता है कि ऑर्गेनिक फूड का सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपीडा के ही आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगी।
यानी अपीडा के अंडर एक तरीके से कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओपी आप बोल सकते हैं, वो आपको एनपीओपी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगी। तो यानी यहाँ से मुझे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी मिल गया। अब अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और अच्छे देशों के साथ काम करना है तो मुझे एक सर्टिफिकेट की और ज़रूरत पड़ सकती है और वो है फाइटोसैनिटरी। तो दोस्तों ये भी सर्टिफिकेट आपको ज़रूर चाहिए अगर आप फूड प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। इसके बाद आपको ये भी देखना है अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो ये देखना है कि गवर्नमेंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या बोलती है, गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है। देखिए क्या होता है, अभी पीछे देखा होगा जब प्याज का रेट बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट प्याज के एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती है। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तो फिर आपको लॉसेस बियर करने का पढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ हमेशा टच में रहिए, देखते रहिए कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो जनरल कैटेगरी में है, रिस्ट्रिक्टेड में है या प्रोहिबिटेड में है। इट मींस जनरल कैटेगरी का मतलब ये होता है कि गुड्स के लिए जो गुड्स है वो फ्रीली इम्पोर्टेबल है और एक्सपोर्टेबल है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि उसके लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए। प्रोहिबिटेड का मतलब ये होता है कि उन गुड्स को सिर्फ सरकार ही एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकती है। और उसके बाद भी अगर सपोज़ कीजिए बायर आपसे किसी भी तरीके का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगता है तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है EIC, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन SGS है, तो वहाँ से आपको इंस्पेक्शन के सर्टिफिकेट भी मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में आपको समझ आया होगा। कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल के नाम से, वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लगातार नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.